नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं, हम लोग जिस जगह में रेलवे का ये क्वार्टर, यहाँ पर एक इंडियन कॉमन कैरेज जिसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं, वो ज़्यादातर रात को ही बाइट करता है और ज़्यादातर बिस्तर में ही बाइट करता है। दिन में इसका बहुत कम ऐसा देखा जाता है दिन में बाइट करते हुए। और ये जो है इंसान का बॉडी का गर्मी, जो पसीना का मांग, इसको बहुत पसंद है। इसलिए जहाँ पर इंसान सोता है उस जगह में जाकर ये सो जाता है और जाने अनजाने में जैसे आपके हाथ पर पड़ता है तो काट लेता है। और ये ऐसा सांप है, काटने के बाद आपको पता भी नहीं चलता है ये आपको बाइट किया। कोबरा या रसल का जो बाइट करता है वहाँ पर सूजन हो जाता है और वहाँ पर दर्द होता है, लेकिन इसका कुछ नहीं होता। चार घंटे के बाद आपको पेट में ऐंठन होता है, दर्द होता है, और उसके बाद जो है आपको ज़्यादातर आदमी सोचता है रात को ऐसा हो रहा, हो सकता है आज हो गया या गैस हो गया, दवाई खाते हैं, इसी में टाइम बीतते जाता है। तब तक पेशेंट जो है 6 से 7 घंटा बाद कोमा में चल जाता है, फिर बचना मुश्किल हो जाता है अगर इसका एंटीवेनम से इलाज ना हो तो। दोस्तों ये सांप, इसीलिए आप रात को कभी सोएं तो थोड़ा सा देख लें घर के आसपास। ये सांप इसी समय इसी महीना में सबसे ज़्यादा ये बाइट करता है। भारत में 20 से 22 हज़ार सर्दन से मरने का बदनाम ये सांप है, और सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार और झारखंड में इस सांप से मृत्यु हो रहा है। अभी हमारा क्लिनिक में देख रहे हैं हर दिन 2 से 3 मरीज इसी सांप से जो दंश हुआ है वो लोग आ रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं कि बच्ची 12 साल के लड़का ऑलरेडी काल से कोमा में था, आज होश आया है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोग रेस्क्यू करेंगे इसको, इस सांप के बारे में आपको बताएंगे। घर में आप ना आए उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताएंगे, आप करेंगे तो आपके घर के आसपास आपका बिस्तर नहीं आएगा। बोले साहब थोड़ा सा पानी दो, पाउडर वहाँ है तो दो, ठीक है, और नहीं तो पानी ज़्यादा मत देना, ठीक है। आप पहले मशीन लगा के देखो ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऑपरेशन क्या है देखो। पूरा हटा सब आप से धीरे धीरे अंदर ही अभी मेरे पास 12 साल का बच्चा पड़ा काल से कोमा में, अभी होश आया, पानी पीने खोली, हाँ अभी 80 में इंजेक्शन चल चुका है बच्चा, कोमा में आया, मुँह कुछ नहीं, होश ही नहीं था, अभी होश आया था, यही सब काटा हुआ सेम दोस्तों देख रहे हैं ये इंडियन कॉमन कैरेज बहुत बिग साइज का है, इतना बड़ा कॉमन कैरेज बहुत कम देखा जाता है। और ये कॉमन कैरेज जो है देख रहे हैं इसका जीभ निकाल रहा है, ये आसपास का जो है देख रहा है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा खतरनाक चीज़ है कि दोस्तों। ये रात को सांप खाने के लिए आता है और ये ज़्यादातर सांप को ही खाता है, छिपकली और सांप, हो सकता है ये सांप खाया हो। और इसको पहचानने का सबसे बड़ा ये ब्लैक में वाइट रिंग जो होता है, डबल रिंग होता है, और इसी तरह और एक होता है वर्ल्ड सेंटर है जिसमें सिंगल रिंग होता है और डिफरेंस थोड़ा दूरी दूरी में होता है, इसमें डबल रिंग होता है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता रिंग। और इसका जो पिंक कलर का मुंह होता है और जीभ हर बार हर 2 सेकंड 3 सेकंड में निकालते रहता है। ये सांप इंडियन कॉमन करेट, भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। सांप गोहमन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कोबरा का जो होता है 12 मिलीग्राम से ऊपर अगर जहर जाएगा तो उससे इंसान का मृत्यु होता है।
अगर उससे कम जहर आपका बॉडी में इंजेक्ट होगा तो मृत्यु नहीं होगा। और कोबरा में खसियात जो गमन बोलते हैं 100 में से 80% फॉल्स बाइट करता, मुर्गा काटता तो है लेकिन जहर नहीं जाता। रसल वाइपर में 20% फॉल्स बाइट होता, लेकिन ये अद्भुत सांप है जो जितना बार आपको बाइट करे उतने बार जहर छोड़ेगा और सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर से आपका मृत्यु हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये सबसे भारत का सबसे खतरनाक और साइलेंट किलर कहते हैं इसको। दोस्तों ये सांप तो रेस्क्यू हो गया, आप सबको आपको कहना चाह रहा हूँ अगर ये सांप आपका घर में ना आए उसके लिए आप छोटा सा उपाय करना है। आपको बाजार में फॉर्मोलिन मिल जाएगा, फॉर्मोलिन घर का चारों तरफ उसको स्प्रे कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो हमारा संस्था का द्वारा एक केमिकल प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका घर के चारों तरफ एक ढक्कन पानी में डाल के उसको स्प्रे कर देंगे तो वो सांप आपका घर का यहाँ कम से कम 15 दिन अंतर ये डिफरेंस में आपको स्प्रे करना है। लगभग 1 साल तक आपका घर में सांप नहीं आए, 1 डिब्बा 1 साल से ज़्यादा आपका चल जाएगा ये केमिकल। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा केमिकल हो सकता है 6-7 दिन के बाद आपके पास पहुँचे, आप घर में ही अगर ऐसा देखें कि इमीडिएट हमको काम करना है तो नवरत्न तेल मिलता है कहीं भी, उसको पानी में डाल के मिक्सअप कर लें और घर के चारों तरफ उसको स्प्रे कर लें और उससे भी सांप जो है बहुत अच्छा काम करता होगी। तो ये घरेलू उपचार है। और उसके साथ साथ जो है आप गेरानी का तेल और देवदार का तेल ये दोनों भी आप स्प्रे कर सकते हैं घर के चारों तरफ, उससे भी सांप नहीं आता। सबसे बेटर काम करता है जो आपका फॉर्मोलिन, और नहीं तो आप हमारा जो प्रोडक्ट है इसको भी आप मंगा सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस दिया रहेगा और दवाई का उसका प्राइस आप तुरंत ऑर्डर देंगे आपके पास 6 से 7 दिन में पहुँचेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।